माँ शक्ति का प्रतीक है और माँ की सच्ची आराधना यही है कि अपनी शक्ति का संचय करें और उसे व्यर्थ ना गवाएं। ये बात स्वामी श्री हरि चैतन्य महाप्रभु ने आज माता नैना देवी के दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने सर्वप्रथम माता नैना देवी के दर्शन किए। स्थानीय पुजारी सुरेश शर्मा, आनंद गोपाल और सीताराम जी ने माता जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाई। स्वामी श्री हरि चैतन्य ने कहा कि माँ के इस दरबार में सभी झुकते हैं और माता स्वयं शक्ति का प्रतीक है, और उन्होंने कहा कि वह सभी से आह्वान करते हैं कि माँ की सच्ची आराधना इसी में है कि आप शक्ति संपन्न बनने की कोशिश करो। हमारा राष्ट्र शक्ति संपन्न हो और पूरी दुनिया में हमारा राष्ट्र फिर से महाशक्ति बनकर उभरे, यही कामना हम करते हैं। और माता रानी के दरबार पर आकर उन्हें आज बहुत अच्छा लगा और यहाँ काफ़ी आत्मशांति महसूस हुई। इस मौके पर उन्हें मंदिर की तरफ से माता की चुनरी और प्रसाद भेंट किया गया। ऐसा लगा गुरु जी, यहाँ माँ के चरणों में, माँ के दरबार में आके तो हमेशा आनंद की ही अनुभूति होती रही है, हो रही है और होती रहेगी। और स्वामी हरि चैतन्यपुरी को नहीं, कुल आलम झुकता है माँ के चरणों में, शक्ति के प्रतीक है। और मैं ये आवाहन करूँगा लोगों का कि माँ शक्ति की सच्ची आराधना यही है कि हम शक्ति की संचय करने की कोशिश करें, अपनी शक्तियों को बर्बाद करने की कोशिश ना करें। हम शक्ति संपन्न बनने की कोशिश करें, हमारा राष्ट्र शक्ति संपन्न हो और सारे विश्व की एक महान शक्ति बन करके हमारा राष्ट्र फिर से उभरे। माँ शक्ति के चरणों में, माँ नैना के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ। बिलासपुर से ऋषु प्रभाकर की रिपोर्ट।